Hey guys, welcome back to our vlog. So guys, ये है जसोदा हेरिटेज जिसमें हमने स्टे लिया हुआ है और अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, काफी अच्छा है। बाहर से तो आपने देख लिया, अभी मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। स्टाफ है वो भी बहुत मतलब कोऑपरेटिव है, उन्होंने हमें सुबह मतलब 5 बजे चेक इन के लिए दे दिया। दिस इज द रूम और ये यहाँ पे मेकअप चल रहा है। हेलो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। ये है प्रॉपर्टी और बेसिकली प्राइस डिफर करता है जैसा भी आप सीजन और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, बट हाँ हमें थोड़ा सा रिजनेबल मिल गया, सो थम्स अप। सो गाइज, अगर आपको जानना है कि इस रूम का प्राइस क्या था, हम कितने में हमारा स्टे में कितना लगा, सो गाइज वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हम ये सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में देंगे। सो गाइज, दिस इज अ फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस जो कि है पत्रिका गेट, पीछे नाम आ रहा है। और अभी हम यहाँ पर सुबह करीब 5:30 बजे से आए हुए हैं और लाइटिंग की वजह से हम शूट नहीं कर पाए थे, बट अभी थोड़ी सी रोशनी हो गई है तो अभी चलते हैं अंदर का देखेंगे। और पीछे आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा नाइट व्यू इसका और अच्छा आता है क्योंकि लाइटिंग होती है, अभी क्योंकि रोशनी हो गई है तो लाइटिंग बंद हो गई है। दिस प्लेस इज इंस्टाग्रामेबल, आप यहाँ पर आके बहुत सारी वीडियोज ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं अगर आप बहुत ही ज्यादा फोटोहॉलिक हैं तो, क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स अभी भी चल रहे हैं एंड और भी लोग हैं, कैमरा मैन वगैरह आए हुए हैं, बहुत सारे अभी प्री वेडिंग शूट होने वाले हैं। पीछे जितनी गाड़ियाँ लग रही है ना, सारे प्री वेडिंग शूट वाले हैं। पत्रिका गेट इज सिचुएटेड इन न्यू जयपुर। ये जयपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर और हवा महल से 9 किलोमीटर दूर है। ये इनसाइड व्यू है और ये जस्ट लाइक अ पार्क और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर का दिखा दूंगा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारा प्यारा राजस्थान। यहाँ पर ओला, उबर, ई रिक्शा से भी आया जा सकता है। क्राउड से बचने के लिए आपको पत्रिका गेट अर्ली मॉर्निंग आना होगा। पत्रिका गेट घूमने के बाद अब हम कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। यहाँ जयपुर में ना आपको हर जगह नाश्ते में खाने के लिए पोहे मिलेंगे जो कि हम एक बार खा चुके हैं और अब हमारा खाने का मन नहीं था, राइट, तो अभी हमने मंगवाए हैं गरम गरम छोले भटूरे एंड वी आर गोना एंजॉय दैट। चलो चलो, अभी जल्दी जल्दी खाओ और बताओ टेस्ट कैसा है। तो चलिए अब हम आपको हवा महल लेकर चलते हैं और भीड़ से बचने के लिए हम हवा महल सुबह सुबह ही पहुंच गए। So guys, we are going inside to the हवा महल और टिकट काउंटर 9 बजे खुलता है, अभी 15 मिनट है और रश थोड़ा ज्यादा होने वाला है तो हम सोच रहे हैं हम पहले ही जाके और ले ले, तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर। और ये अंदर जाने का रास्ता है हवा महल के लिए। जैसे ही आप बाहर जहाँ मेन फोटो शूट होता है वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये रास्ता दिखेगा अंदर जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर के पास और यहाँ ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आई थिंक हम भी इसमें आ रहे होंगे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, तो अभी देखते हैं, वैसे खुला नहीं है। सो बस अभी हम पहुंच जाएंगे हवा महल के लिए और ये आपको बोर्ड दिख जाएंगे हर जगह लगे हुए हवा महल के लिए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सफाई हो रही है। सो गाइस, अभी
हम आ गए और ये पीछे टिकट काउंटर है, अभी खुला नहीं है, 15 मिनट है खुलने में। तो अभी भीड़ बाहर है और भीड़ अंदर है, उससे पहले हम टिकट लेके, और ये अंदर जाने का रास्ता है तो हम अंदर जाएंगे और अंदर का शूट करेंगे। आई होप सो कि अंदर अलाउड होना चाहिए। है ठीक है फिर। आज का ना हमारा दिन एकदम मस्त है क्योंकि हम आज हर जगह समय से पहले पहुंच रहे हैं और वेट कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली टिकट काउंटर खुल गया और हमें टिकट मिल गया, अब हम जा रहे हैं अंदर। चलें। टिकट का प्राइस 50 रुपीज पर अडल्ट है और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, स्टूडेंट के लिए 20। अभी हम आ गए हैं हवा महल के अंदर। सो गाइस हवा महल को राजा समय प्रताप सिंह ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि जो हवा महल का बाहर का स्ट्रक्चर है वो कृष्ण जी के क्राउन की तरह है, बिकॉज राजा समय प्रताप जो हैं वो कृष्ण जी के डिवोटी थे, उनके भक्त थे, तो इसीलिए उन्होंने जो इसका महल का स्ट्रक्चर है बाहर का वो उनके क्राउन की तरह रखा है, विच लुक सो अमेजिंग एंड सो गॉर्जियस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड यस इट्स क्वाइट सिंपल फ्रॉम इनसाइड। लेट्स गेट इन एंड इसको चेक करते हैं कि ये कैसा है। So, ये एंट्रेंस है और ये आप देख सकते हो। लेट्स कम इनसाइड और अभी हम आ गए हैं हवा महल के अंदर। So you can see this, और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं, ये नीचे पॉन्ड है, फाउंटेन है जो कि अभी बंद है। Yes. और ये हवा महल के अंदर रूम्स जो बने हुए हैं ये वो हैं जो बेसिकली अपनी रानियों के लिए बनाया था। This is so beautiful and colorful. ये लाइट जो हमें दिख रही थी ना रात में। हाँ, बेसिकली ये अलग अलग ग्लासेस लगाए हैं कलर्ड है ताकि अंदर में जब धूप है तो ये रंग बिरंगा दिखते हैं। यस। How is the view? So this is the outside view of Hava Mahal and basically ये जो windows है और इसलिए बनाई गई थी ताकि जो रानियाँ थी वो बाहर की activities को follow कर सके, देख सके। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि जब यहाँ गर्मी होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए क्या था कि ये खिड़कियाँ बनाई गई थी ताकि हमेशा एयर जो है वो इंटर रहे और कूलिंग जो है वो हमेशा होती रहे। गाइज ये जो विंडोज है ना ये गर्मियों में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती थी, बहुत अंदर हवा करती थी, इसलिए इसको विंड पैलेस भी कहते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी खिड़कियां हैं, अभी हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे वहाँ उससे भी ज्यादा छोटी खिड़कियां हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकती हूँ, ये तो खैर बड़ी है। सो अगेन वी आर ऑन टॉप फ्लोर और आई थिंक इसके ऊपर एक और है अभी। एंड गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये वर्ल्ड की टॉपेस्ट बिल्डिंग है जो कि विदाउट फाउंडेशन है, इसकी नींव नहीं है और ये बिना नींव की बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग है। एंड गाइस ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट बनाए हुए ताकि पैरों में दर्द ना हो चढ़ने के लिए, और ये हमारे लिए नहीं है, बेसिकली जो रानियां हुआ करती थी ये उनके हिसाब से बनाए हुए हैं। सो नाउ वी आर ऑन गोइंग टू टॉप एंड जस्ट
Guys, look at the view. It's so gorgeous. It's so amazing. Wow. Guys, this is Jantar Mantar and वो वहाँ I guess this is Amer Fort and ये इधर शायद हाँ ये यहाँ that's right यहाँ पे ये है नाहरगढ़ फोर्ट और ये है अरावली पर्वत सारे के सारे and the whole जयपुर. So guys, we are on the top floor of Hawa Mahal and the view from here is just incredible. आप यहाँ से पूरा जयपुर देख सकते हैं and अमित बताएगा क्या क्या दिख रहा है. और यहाँ से आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और बाकी चीजें तो दिख रही है, पूरा जयपुर सिटी दिखाई दे जाता है. अब देखो जंतर मंतर भी सामने ही है बिल्कुल. सो कैसा लगा? गाइस डोंट मिस दिस पार्ट. हियर इज द स्टैचूज मेन्यू ऑफ जो कि काफ़ी पुरानी है, 17th and 16th century, 18th century के, और लोग ये पार्ट मिस कर देते हैं. एक्चुअली ये एग्जिट वे में और लोग सीधा एग्जिट हो जाते हैं, तो कई बार होता है कि नहीं दिखता और हमें भी नहीं दिखा था, बट जब हमने अंदर आके देखा तो हमें भी ये पोर्शन दिखा. तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, डोंट मिस दिस, और बहुत अच्छी है. और आपको पता चलेगा कि उस टाइम में भी जो हैंडक्राफ्ट होती थी वो कितनी अच्छी होती थी. और प्लस जो भी यहाँ जयपुर में आपके घूमने का कॉस्ट है, कहाँ पे बेसिकली कितनी एंट्री फीस है, टिकट प्राइस है, वो सब हम आपको बताएंगे, या फिर हम उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारा बजट होगा और आपको कौन सी प्लेसेस घूमनी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में.